तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे स्टील सेक्टर के स्टॉक को लेकर के। ये स्टॉक NSE और BSE में लिस्टेड है। मार्केट कैप है 1894 करोड़ का, यानी 1894 करोड़ का। ये स्मॉल कैप स्टॉक है। अगर करंट प्राइस की बात करें 686 रुपये का इनका करंट प्राइस है, और हाई लगा जाएगा 695 रुपये का, 180 का लो है। स्टॉक पी है 41। स्टॉक पी के साथ ये स्टॉक हल्का सा महंगा, और बुक वैल्यू 136 है। कंपनी डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करती है 0%, और ROC 17%, ROE 19%, फेस वैल्यू 10 रुपये की है। दोस्तों, जिस भी स्टॉक के अंदर फेस वैल्यू 10 रुपये होता है, उस स्टॉक के अंदर ज़्यादा चांस रहता है स्प्लिट्स मिलने का। प्रमोटर के पास होल्डिंग है 60%, और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.79। एनुअली प्रॉफिट 46 करोड़ का हो रहा है कंपनी को। डेप्ट है 297 करोड़। रिटर्न ऑन इक्विटी है 19.4%। इंडस्ट्रीज पी है 16 है। UPS है 16 रुपये का। फ्री कैश फ्लो 323 रुपये है कंपनी के पास, वही निगेटिव में। अगर हम लोग प्लस परसेंटेज देखें तो बिल्कुल जीरो है। इन कंपनी के प्रमोटर की तरफ से 1% की होल्डिंग गिर भी नहीं रखा गया है। आते हम लोग कहाँ प्रोस की तरफ देखे जाए। प्रोस तो कंपनी है डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 48.2 CAGR वाला लास्ट फाइव, तो अपने लास्ट फाइव में 48% गुड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी दे रही है। क्वार्टरली रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें तो मार्च वाले क्वार्टर में देख सकते हैं 31 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। दिसंबर में 18 करोड़ का है। सितंबर में 16 करोड़ का है। जून में 16 करोड़ का है। तो कंपनी क्वार्टरली बेस पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखला रही है। अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। नेट प्रॉफिट है 17 करोड़ का मार्च वाले क्वार्टर में। दिसंबर में 10 करोड़ का, सितंबर में 9 करोड़ का, जून में 10 करोड़ का इनके पास नेट प्रॉफिट आया है। अगर हम लोग ईयरली बेस पे बात करें तो 2023 में 82 करोड़ का है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। 2022 में 56 करोड़ का है। 2021 में 34 करोड़ का। 2020 में 23 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। कहीं ना कहीं आपको इंक्रीज होता हुआ देखने के लिए मिलेगा स्टॉक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयरली बेस पे। अगर हम लोग सेल्स देखें 2023 में, देखो 2020 से स्टार्ट करते हैं। 2020 में 161 करोड़ का सेल्स आए थे। 2021 में वो इंक्रीज होकर के 254 हो गए। 2022 में इंक्रीज होकर के 431। 2023 में 644 करोड़ के हो गए के पास सेल्स। सेल्स से लगातार इंक्रीज हो रहा है कंपनी की। तो नेट प्रॉफिट की अगर हम लोग बात कर लें तो 46 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया कंपनी को 2023 में। 2022 में 32 करोड़ का, 2021 में 15 करोड़ का आया। तो कंपनी का सेल्स लगातार इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा ही होगा। तो कंपनी की प्रॉफिट लगातार इंक्रीज होने में लगे हुए हैं। लेकिन कंपनी अभी आपको डिविडेंड पे आउट नहीं करती। एक बार मात्र डिविडेंड कंपनी पे आउट की है। अगर हम लोग बात करें कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की तो 5 साल में 44%, 3 साल में 59%, TTM में 50% कंपाउंड सेल्स ग्रोथ। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 5 साल में 48%, 3 साल में 80%, TTM में 53% कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ है। अगर स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 1 साल में 269 करोड़ का इनके पास स्टॉक प्राइस CAGR। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 5 साल में 23%, 3 साल में 24%, लास्ट ईयर 19% रिटर्न ऑन इक्विटी है कंपनी के पास। अगर बैलेंस शीट की बात करें तो इनके पास रिजर्व है 348 करोड़ का, वहीं कर्ज है 297 करोड़ का। तो कंपनी का कर्ज कुछ ज़्यादा है और रिजर्व भी अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है कंपनी के पास, क्योंकि 2017 में 10 करोड़ का कर्ज हुआ करता था। और ब्रोविंग देखिए 24 करोड़ का है कंपनी के पास। कैश फ्लो की हम लोग बात करें तो 101 करोड़ का कैश फ्लो है नेगेटिव में कंपनी के पास, और 104 करोड़ का है नेट कैश फ्लो कंपनी के पास प्लस में। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 2023 में है 60%, 60.92% की होल्डिंग, और FIs के पास 252, DIs के पास मात्र 0.18% की होल्डिंग, पब्लिक के पास 36% की होल्डिंग है। तो अच्छा खासा होल्डिंग है प्रमोटर के पास। पब्लिक के अंदर देखें इंडिविजुअल की होल्डिंग है या नहीं है उससे पहले बताते हैं। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाकर के आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप भी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग स्टार्ट करके चल सकते हैं। अभी स्टॉक अरेंजर वन का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर आप देखेंगे पब्लिक के अंदर तो काफ़ी अच्छा पैसा लगा हुआ है इंडिविजुअल का इस स्टॉक के अंदर, ठीक है। तो ये 4.13% की होल्डिंग है, 3.26, 3.06 और
1.47, 1.08, 1.05, 1.05, इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो काफ़ी अच्छी होल्डिंग्स है इंडिविजुअल के पास। तो दोस्तों इस स्टॉक का नाम बताने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दें, अगर दोस्तों ये वीडियो ना एजुकेशनल पर्पज से बनाया जा रहा है ना कि बाय और सेल करने के लिए, अगर आपको एंट्री करना हो तो आप अपने रिस्क पर एंट्री करके चल सकते हैं या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर के बाय और सेल करके चल सकते हैं। तो इस स्टॉक का नाम है हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग होल्ड इन द साउथ इंडिया मार्केट, इट असर डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कॉन्सिस्टेंस इन माइल्ड स्टील और वेल्ड्स पाइप्स एंड ट्यूब हॉट रोल क्वाइल्स एंड स्केल फोल्डिंग सिस्टम आवर टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट कैटर एंड वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री के एप्लीकेशन अक्रॉस द मल्टीपल सेक्टर में कंपनी कामकाज करती है। चुके हैं इनकी वेबसाइट पे, आप इनकी वेबसाइट पे आकर के इनकी बिजनेस के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इनकी डिविजन्स क्या क्या है, इंट्रोडक्शन फर्नेस, रोलिंग माइल्स, पाइप माइल्स, सेफोल्डिंग, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी मेगा, तो हम क्या देख सकते हैं इस स्टॉक के अंदर, इनकी क्लाइंट लिस्ट अगर आप देखेंगे तो BNR है, BCG है, कॉस्टॉल है, कॉन्सकॉर्ड ग्रुप है। तो कंपनी की आपने देखी क्या फंडामेंटल, देखे कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। फंडामेंटल देखने का सेंस कंपनी का सेल्स बहुत अच्छे इंक्रीज हो रहे हैं, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट अच्छे खासे, क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं कंपनी के। प्रमोटर के पास काफ़ी शानदार होल्डिंग है पब्लिक के अंदर, इंडिविजुअल्स की भी काफ़ी अच्छी होल्डिंग्स है। तो ये स्टॉक देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम के अंदर तो रॉकेट बना फिर रहा है ये स्टॉक। अगर हम देखें नीचे के लेवल से तो 2022 2 मई 2022 से लगातार ये स्टॉक अभी तक 284% का रिटर्न कंपनी ने बना करके दे दी है, लगातार हायर रेंज में ट्रेड करती हुई लग रही है, ठीक है। स्टॉक के अंदर जो काफ़ी अच्छा रिटर्न लोगों को बना करके दिया है तो बहुत ही जल्द प्रॉफिट बुकिंग आने का चांस हो सकता है स्टॉक के अंदर, या फिर अभी देखो करंट प्राइस में यहाँ बाय करना सेफ नहीं है। स्टॉक जब नीचे आए कभी भी स्टॉक ना जब भागता है तो सिर्फ भागते ही नहीं रहता है, कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो, जैसे कि बहुत सारे स्टॉक जैसे पीटी लाइट हो गए, बजाज फाइनेंस हो गया, बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो बहुत फंडामेंटली स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर भाग रहे थे, लेकिन ऊपर भागने के साथ साथ जब ओवर वैल्यू हो जाते हैं तो नीचे भी आते हैं, करेक्शन होता है, प्रॉफिट बुकिंग लोग करते हैं और फिर स्टॉक एक रेंज बाउंड करता है, तो उस रेंज में हमें बाई करके चलना चाहिए। करंट प्राइस में बिल्कुल बाई करना थोड़ा सा रिस्की होता है, स्टॉक अगर यहाँ से 30% नीचे गिरा तो आपके पोर्टफोलियो के अंदर तुरंत 30% का लॉस दिखने लगेगा अगर आपने टॉप पे बाई किया तो। अभी टॉप चल रहा है, टॉप जोन चल रहा है, लगातार स्टॉक भागने के ऊपर है, ठीक है। अगर आपको एंट्री करना हो, आपको लग रहा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो आपको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना चाहिए, और जब भी स्टॉक एक करेक्शन में मिले या फिर एक रेंज क्रिएट करता हुआ मिले तो उस दौरान आप बाई करके चल सकते हैं। इतना मत आप ये कभी मत भूलिएगा, ये स्टॉक कभी भी कोई भी कितना भी अच्छा वाला फंडामेंटल स्टॉक क्यों ना हो कि वो एकदम रॉकेट सीधा भागने लगता है, कभी ऐसा नहीं होता है। बहुत अच्छे से अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक अंदर करेक्शन आती है तो आती है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाया जा रहा है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर बाय और सेल करके चल सकते हैं।